हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जेजे व्लॉग्स। यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छी तरीके से धोकर काट कर फिर इसे बैठा दिया है गैस के ऊपर। पूरा फुल्ली बॉयल नहीं करेंगे इसे, हम हाफ बॉयल करेंगे। मैं इसमें नमक ही डालना भूल गई थी, चलो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नमक भी। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं ताकि ये सब जो अच्छी तरीके से बॉयल हो सके, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर वाला लोग बॉयल ही नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोगों का ये जो गोभी है ये बॉयल हो चुका है, क्योंकि इसे हमें पूरा एकदम पिघलने तक बॉयल नहीं करना है, तो मैं इसे यहीं पे अभी ऑफ कर देती हूँ। अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट किया था और साथ में एक टमाटर का, उसको ऐड कर दे रही हूँ। वाओ, ये तो चटनी बहुत टेस्टी वाला लग रहा है। ये चावल का पाउडर है, उसको हम लोगों ने पाउडर कर लिया था। सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, उसके बाद सॉल्ट, हल्दी, सोया सॉस, विनीगर, टोमेटो सॉस, जस्टर गरम मसाला पाउडर है ये, जीरा पाउडर, वाओ। इसमें एक ही चीज का कमी है। वैसे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी दिया जाता है, तो कॉर्नफ्लोर हम लोगों ने स्किप कर दिया है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए स्किप कर दिया है हमने। हमारे पास भी अवेलेबल नहीं था। हाथ कर दिया, मजाक कर रहे, थोड़ा सा फूड कलर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कलर ही चेंज हो गया। देखो वाओ, पिंक हो गया ये तो। मैदा ऐड हो गया है अभी थोड़ा सा। आज हम लोग बना रहे हैं गोभी 65। ये देखो गोभी पानी है इसलिए हम टेढ़ा नहीं कर रहे हैं। बहुत गर्म है, मेरा पाव में ही गिर जाएगा। तुम्हारा पाव जल जाएगा पूरा। तो अभी हमको पानी फेंकने के लिए साइड बनाना फिटर बनाया था तो तेल बच गया था, तो इसी तेल में गोभी को फ्राई करेगा अभी। सो लेट्स डिग इन और इसे जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग छत में जाके इंजॉय करेंगे अच्छी तरीके से। ये है, ये गिर रहा, गिर रहा, चम्मच गिर रहा, ला बस ये क्या। तो इसे देखिए ऐसा कोटिंग करके, फिर पहली बार बना रही हूँ ऐसा, एक्सपर्ट जैसा बता रहे हैं हम पहली बार बना के। तो इसे आई थिंक तेल गरम नहीं हुआ था, नहीं हो गया तो तेल गरम है इसलिए सब हो रहा है शायद। फर्स्ट वाला जो है ये डन हो चुका है, ये देखिए फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, पूरा एकदम क्रंची। हम लोग ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी बॉयल करके रखा था, तो इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा क्रंची होने तक। ये देखिए लाल लाल हो गया है, ये भी हो गया है, और थोड़ा सा पका लेते हैं, इसके बाद इसे भी हम लोग निकाल देंगे। तो आज को हम लोग करने जा रहे हैं ये पैन। तो हम लोग और भी इसे हम लोगों ने खुद बनाया है। हाँ, वो तो आप लोगों को दिखाया भी है। ये है गोभी 65, ये है मेयोनीज, और ये है सॉस, और ये है मिमी, जो कि मैं बनाऊंगी अभी बनाने वाली, तो जल्दी बनाओ। देखिए किस ऑर्डर लग गया। चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग सब मिल के अभी इसे मीमी बनाते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं कि मीमी क्या है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट से बाहर रहते हैं, तो ये एक इंस्टेंट नूडल है, जो कि मतलब इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और रेडी टू ईट है। तो इसे हम लोग क्या बना के खाते हैं, सैलेड जैसा ना। हाँ, सैलेड जैसा इसे बना के खाते हैं।
तो मणिपुर में इसका सिंजू भी बनाते हैं, उसका वो इसमें वो क्या होता है तो इसमें केवेज और वो क्या होता है फर्मेंटेड फिश जो होता है उसको ऐड करके बनाते हैं वो लोग सिंजू। बट हम लोग सिंजू नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिंपल एक मिक्सर तो हम लोग सिंपल एक मिक्स करके हम लोग खाएंगे, खाते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ खाते हैं या फिर खाते हैं टाइम पास के लिए खाते हैं। मुझे कल से बहुत खाने का मन भी था तो बात करते करते फटाते रहते, तो इसको मैंने जया को बोला पहले इसको मोड़ो। देखिए इसका कारनामा, देखिए ये जो ये कैसा होता है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बाहर है शायद उन्होंने इतना नहीं देखा होगा या फिर देखा भी होगा तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का होता है, ये देखिए ये फ्राइड है, तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हो और इसे मैगी की तरह भी बना के खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इन टाइम में नहीं मिलता है, मिलेगा होगा कहीं पे ढूंढने से, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये क्या चीज़ है, मेरे हाथ में पूरा फूड कलर लग गया, जया का आइडिया था फूड कलर डालना और मेरा हाथ बर्बाद हो गया। तो क्या हो गया, कलर तो इतना सुंदर आ गया ना। मिमी को तो हम लोग बचपन से ही खाते हैं, स्कूल में भी खाते थे एज ए टिफिन। मसाला मसाला तो ऐड करना मस्ट है, कोई कोई पहले को हम लोग स्कूल में पढ़ते समय बिना मसाला के खाता था, उसके बाद मसाले को हम लोग सब हाथ में थोड़ा थोड़ा लेके खाते थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए आप लोगों का एक भयानक सा साउंड सुनाई दिया होगा, लेकिन मत डरिए आप लोग, डरने की कोई बात नहीं। हाँ सारा मटर डाल दिया, मटर में इतना नमक होता है ना। और ये और एक है, ये भी वाई वाई है, इसको और मिमी को एक साथ ऐड करके बनाने से फ्लेवर ही अलग हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। तो ये है डिलाइट जो कि मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। डिलाइट अचार तो बोल दो कम से कम। डिलाइट चिल्ली। तो एक टिप है गाइस, अगर आप इसे फटा ना सको छिल ना सको तो सीधा अपना दांत यूज कर दीजिए, दांत से जरूर फट जाएगा। और अभी किसी का दांत कमजोर है तो उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। पता ऐड मत, ज्यादा ऐड मत करो अचार, ये अचार नहीं खा सकती है बिल्कुल नहीं। मैं अचार क्या, मैं मतलब कोई भी सावर वाला जो चीज़ होता है खट्टा वाला वो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। प्याज मिला, प्याज प्याज तो ये बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची थोड़ा सा और प्याज थोड़ा सा, शेफ स्टाइल, हमारी शेफ से ऐड कर दिया है। चलो कैमरा सामने लेके आ जाओ मेरे, तुम्हारा सामने आ गया है कैमरा। मेरा और इससे मैं कैसे मिलाऊं, हाथ से? हाँ हाथ से मिलाओ, हाथ जलेगा तो नहीं, मर्ची भी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तुमको स्पून चाहिए तो ये मेयोनीज वाला स्पून। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉस, और ये है हमारा मिक्स। तो पहले कौन सा शुरू करते हैं? पहले हम लोग खाते हैं ये। तुम सॉस से खा गए? हाँ मेयोनीज से। तो चीयर्स चीयर्स ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। अरे चीयर्स तो करो अच्छे से, खा ले रहा है देखो। परफेक्ट है ना, मेयोनीज के साथ ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने मेयोनीज के साथ खाया, इसे बोला नहीं मैंने। लुक्स ही काफी है बोल रही है, देखो इतना धीरे धीरे बोल रही है, आप लोग को सुनाई दिए लुक्स ही काफी है बोला। मैं अभी सॉस के साथ खाती हूँ, सॉस से ज्यादा मेयोनीज ही अच्छा है ना। मेयोनीज के साथ अच्छा है, मैं एक मामी को भी खिलाती हूँ।
मामी कैमरा में नहीं आएगी, कैमरा में नहीं आएगी तो ऑफ कैमरा ही खिलाती हूँ। तो चलो मिमी भी थोड़ा ट्राई करते हैं उसको तो मैं थोड़ा सा भाई के लिए निकाल देती हूँ, मेरा प्यारा भाई के लिए। खुशी में मैं और एक बार खा लेती हूँ उसको। इसमें खुशी क्या? हाथ से ही खा रही हूँ, चम्मच लाना भूल गई हम लोग। थोड़ा खट्टा ज्यादा हो गया। खट्टा नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं है। ये खट्टा बहुत कम खाती है इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा है। प्याज के साथ मेयोनीज खा के देखती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी मेयोनीज के साथ। ये गर्मा गर्म मेयोनीज के साथ भले ये तो मामी बोल रही है कि उसको पेट दर्द होगा इस खाने से, तो पेट दर्द होने से हम लोग उसे ले जाएंगे हॉस्पिटल। मिमी से ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है मुझे इसमें, लेकिन मिमी भी खाना पड़ेगा। हम लोग का छत का जो टेरेस का जो व्यू है बहुत सुंदर है, तो अभी मैं आप सबको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। तो ये देखिए व्यू हमारे टेरेस से। तो ये व्यू देख देख के हमें टेरेस में खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम बात बात पे टेरेस में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग इवनिंग में टेरेस का ऐसा मजा लेते हुए वीडियो इवनिंग टाइम में हमारा टेरेस का व्यू देख देख के कुछ खाने का मजा ही अलग है, अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा हवा चलता है और और ये सब खाने में मजा ही अलग है। मेरा थोड़ा सा गला खराब सही नहीं है इसलिए अचार खा रहा। तो ये तो बहुत सिंपल है बनाना, हम लोगों ने दिखाया आपको आज कैसे बनाते हैं इसे, तो सिंपल है। आप लोग चाहे तो इसमें प्याज और करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो, हम लोगों ने नहीं किया बट कर सकते हो ऐड। तो आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, हमारे जैसे भी खा सकते हो, ऐसे भी टेस्टी है, ऐसे भी खा सकते हैं पकौड़ा जैसा। तो आज का हम लोग का तो आज का हमारा ब्लॉग इतना तक ही था, इसका सर पे बहुत सारा मेरा गला। तो आज का हमारा ब्लॉग इतना तक ही था, तो अभी हम लोग इससे ख़त्म करेंगे आराम से बैठकर एकदम चिल करते हुए। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग इसे खाते हैं तब तक आप लोग क्या करेंगे, नीचे में रेड कलर का बटन है जिसका नाम है सब्सक्राइब, तो आप उसको दबाएंगे, आप उसको हिट कर देंगे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसे ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाए और कुछ भी मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।